Unacademy. Let's crack it. Hey everyone, welcome to Pathfinder. This is Mirucha Pandey, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing very well. तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार क्या है रीसेंट अपडेट आज के लिए और क्या है वो इम्पोर्टेंट खबर, वो इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है. तो रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो हमें देखने को मिला है हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स के द्वारा, जिसमें कि रिकमेंड किया गया है, ठीक है, कि दोबारा से अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर दें. ठीक है, अडल्ट्री की अगर हम बात करें इंडिया में तो वो दोस्तों डीक्रिमिनलाइज है. दैट मीन्स अडल्ट्री इज फॉर नाउ वो अभी लीगल है और ये ऑफेंस नहीं माना जाता है. ठीक है, अडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस और ये लीगल भी है. तो इसी को दोबारा से क्रिमिनलाइज करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है. ठीक है, जो कि हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स जो है उन्होंने सेंटर को एक रिपोर्ट जो है इसके लिए उन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, ऑन भारतीय न्याय संहिता जो बिल है इसमें क्लियर हो गया. अब क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ जो मैरिज है हमारे इंडिया में अगर उसकी बात करें तो वो सैक्रेड माना जाता है, दैट इज होली, पायस बोलते हैं हम अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को इंडिया में, एज वेल एज उसकी सेंक्टिटी जो है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब कि उसकी जो पवित्रता है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. ठीक है, तो इस स्टैंड को लेते हुए, ठीक है, इस स्टेटमेंट को देते हुए पार्लियामेंट्री जो कमिटी है वो क्या कर रही है, रिकमेंडेशन दे रही है कि कैसे मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बचाया जा सके. ठीक है, होली रखा जा सके, पायस रखा जा सके, इसकी पवित्रता को बरकरार रखा जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें जो शादियां हमारे यहाँ होती हैं वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होती है दो पार्टीज के बीच में. जब एक हस्बैंड के साइड वाली जो फैमिली होती है और जो उसकी वाइफ के साइड वाली फैमिली होती है, दोनों फैमिलीज मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट होता है, उनकी फैमिलीज के बीच में ट्रस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बरकरार होनी चाहिए और हमारे इंडिया का यही है कल्चर. ठीक है, ये हमारा एक कस्टम है, कल्चर है जो कि हम काफ़ी समय से इसको हम लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट भी करनी हमारी जिम्मेदारी है. ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन टुडेज वीडियो. हम पहले बात करेंगे कि आखिरकार अडल्ट्री क्या होती है. ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारे क्लॉजेस है, प्रोविजन है, उसको भी डिस्कस करेंगे, क्विक रिकैप करेंगे इसका. फिर उसके बाद जो हमारे जो नए लॉज आने वाले हैं, ठीक है, थोड़े उसके भी बारे में जान लेंगे. लैंडमार्क केसेस जो इस पे आए हैं अडल्ट्री, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज उसको किया है, उसको उन केसेस को भी रेफर करेंगे. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं और आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आकर के यूपीएससी की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अनअकैडमी ला रहा है प्रयागराज में आप सबके लिए ऑफलाइन सेंटर. ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग अगर आपको रिक्वायर्ड है और आपको लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक ऑफलाइन कोचिंग में जाके हो सकता है बढ़िया तरीके से, तो अनअकैडमी प्रयागराज में जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वो अपनी कोचिंग जो सेंटर है वो लेके आ रहा है. जीएस फाउंडेशन बैच 2025 से 2026 तक का ये जो बैच है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है. तो इस बैच को ज्वाइन करने से पहले खुद को आपको एनरोल करवाना पड़ेगा, तो एनरोल आप 30 नवंबर से पहले पहले दोस्तों करवा लीजिए. ठीक है, हम ला रहे हैं आप सबके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर. तो ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है दोस्तों ये हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है. तो अगर आप हमारे उन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से होंगे तो आपको ये अर्ली बर्ड ऑफर मिलेगा, जिसमें कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे 40% फीस के ऊपर, आपको दैट मीन्स कि फीस के ऊपर 40% का आपको ऑफ जो है वो मिलने वाला है. तो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कराइए और उन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो जाइए जिसको कि 40% का ऑफ जो है वो मिलने वाला है. नीचे दिया गया है नंबर,
ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी अगर आपको डाउट है, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज हम यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा एड्रेस है प्रयागराज ऑफिस का, उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर आप इस एड्रेस पे जाएंगे तो भी आपकी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है। उस गूगल फॉर्म में भी आप अगर कोई भी इंक्वायरी है, यूपीएससी से रिलेटेड है अगर, या फिर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, या फिर आपको इस कोचिंग सेंटर से रिलेटेड है, तो आप सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डाल सकते हैं और आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द एड्रेस कर दिया जाएगा। एज वेल एज आप देखेंगे एक काउंसलिंग फॉर्म भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उस काउंसलिंग फॉर्म में भी आप अपने क्वेश्चंस जो है, क्वेरीज जो है एड्रेस करवा सकते हैं। आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट जो है वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और वहाँ काफ़ी रीसेंट अपडेट्स जो हैं, न्यूज से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, क्विजेज वगैरह हो गए, वो हम आप सबके लिए लेके आते रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ से भी आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी ये जो करंट अफेयर्स के हम वीडियोस लाते रहते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको पूरा जो हमारा पैकेज है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वापस से चलते हैं न्यूज़ में, और न्यूज़ में मैंने आपको क्रक्स तो बता ही दिया है कि आखिरकार क्रक्स क्या है, ठीक है। तो आते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियो को। तो ये जो रिकमेंडेशन जो है ना, वो दोस्तों पार्लियामेंट में ये जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उसको टेबल कर दिया गया है, और उसमें रिकमेंडेशन दिया गया है, ठीक है, होम अफेयर्स हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह के द्वारा रिकमेंडेशन जो है इस बिल में इंक्लूड करने के लिए कि क्या किया जाए, कि उसको डीक्रिमिनलाइज वापस से किया जा सके, ठीक है, किसको, अडल्ट्री को। तो बेसिकली जो भारतीय न्याय संहिता बिल जो है टेबल किया गया है वो रिप्लेस किसको करेगा, जो ब्रिटिश एरा का इंडियन पीनल कोड है उसको, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट पे हमारे यहाँ एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि आईपीसी सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट जो रिसेंटली खबर आई थी, जिसमें कि इनको रिप्लेस किया जाएगा विथ न्यू लॉज, तो इस पर एक डिटेल्ड हमारे यहाँ वीडियो है, ठीक है। आप उस वीडियो को भी जा करके वहाँ पे अगर आपको जानना है, समझना है इसके बारे में, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूपीएससी के लिए आईपीसी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक भारतीय न्याय संहिता बिल ही है, एक्ट नहीं आया है, दैट मींस कि आपको आईपीसी दैट इज इंडियन पिनल कोड ही क्या है फिलहाल तक तो पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप देखें आईपीसी, ठीक है, तो वो सन 1980 का है, क्लियर होगा। सीआरपीसी अगर आप देखें तो वो सन कितने का है, 1973 का है। इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आप देखें तो वो सन कितने का है, 1872 का है। अब इस आंकड़े से ही, इस ईयर से ही आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों ज़रूरत है इन कोड्स को या इस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए नए लॉ से, क्योंकि ये ब्रिटिश एरा का लॉज है दोस्तों, ये ब्रिटिश एरा के कोड्स हैं, जिसमें कि उस समय ऑफेंसेस कैसे थे, कैसे ऑफेंसेस कमिट किए जाते थे, किन प्रोसीजर से उन ऑफेंसेस को मतलब डील किया जाता था, तो वो उस समय के जो उस पीरियड में जैसे होते थे, तो उसके अकॉर्डिंग या उसके सर्कमस्टांसेस के तो मतलब ऊपर क्या किया जाता था, इनको इनके जो लॉज है वो एप्लीकेबल किए जाते थे। लेकिन अब अगर अभी का हम समय देखें, अभी प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखें, तो अभी के जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है, अभी के जो प्रोसीजर हैं इन ऑफेंसेस को क्या करने के लिए, इन ऑफेंसेस को डील करने के लिए, ठीक है, या फिर कैसे हम इनको पनिश कर सकें, तो अभी की सिचुएशन में और तब की सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस जो है वो आ चुका है। तो इसी वजह से इन एक्ट्स को या फिर इन कोड्स को रिप्लेस करने का इंटेंशन यही है कि क्या किया जा सके, बाहर लाया जा सके कंट्री को ब्रिटिश एरा लॉज से, ठीक है, कि ब्रिटिश एरा के ये जो लॉज हैं इनसे हमारी कंट्री को एक नया जो लॉ सिस्टम है, एक नया जो कानून का जो सिस्टम है वो लाना चाहिए, और जिसके की वजह से
वो गवर्न किया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यूपीएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका जो जीएस का पेपर वन होता है, ठीक है, जीएस का पेपर वन जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें आप पॉलिटी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आईपीसी से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि उसके हिस्ट्री से रिलेटेड स्ट्रक्चर जो है आईपीसी का वो कैसा है, सिग्निफिकेंस क्या है आईपीसी के प्रोविजंस के, क्रिटिसिज्म आईपीसी से रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। एज वेल एज जीएस पेपर टू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें भी जो पॉलिटी का सेक्शन आता है उसमें भी आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको लिखने के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट हिस्ट्री स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंस या क्रिटिसिज्म जो है इन सबसे क्वेश्चंस रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इस वजह से भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिरकार अडल्ट्री जो है वो है क्या। अडल्ट्री को दोस्तों डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में और स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी, जिसमें कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। एक केस है लैंडमार्क केस, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया था। अडल्ट्री होती क्या है, तो इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 497 जो है, आइए इसको पढ़ लेते हैं, एक बेयर रीडिंग लगा लेते हैं कि आखिरकार अडल्ट्री होती क्या है। कोई भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ जो कि उसको पता है और उसको रीजन टू बिलीव है कि ये किसी और आदमी की पत्नी है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, और जिसकी ये पत्नी है उसके कंसेंट और उसके बिना कंसेंट और बिना कन्वीनियंस के साथ वो क्या कर रहा है, उस औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर करता है, ठीक है, तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा रेप का, रादर देन वो गिल्टी करार दिया जाएगा अडल्ट्री का, और इसी वजह से वो पनिशेबल होगा, जिसको कि उसको इम्प्रिजनमेंट जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी 5 साल के लिए, ऑल्सो उसको फाइन देना पड़ेगा, या फिर दोनों ही जो पनिशमेंट्स है उसको मिल सकती है, दैट मीन्स इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। तो समझ में आ गया आपको कि अडल्ट्री होती क्या है, कि अगर कोई भी पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी अदर आदमी के वाइफ के साथ, ठीक है, और उस आदमी का कंसेंट या कन्वीनियंस नहीं है, ठीक है, कि ठीक है आप जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, तो वो क्या है, गिल्टी होगा अडल्ट्री का, उसको अडल्ट्री बोला जाएगा कि उसने अडल्ट्री कमिट की है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये एक क्विक रिकैप आपको कि अडल्ट्री होती क्या है। अब आते हैं हमारे लैंडमार्क केसेस पे। तो आखिरकार ये जो अडल्ट्री है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था, ठीक है, जहाँ पे जो हस्बैंड होता है ना वो क्या कर देता है, अपनी वाइफ को अक्यूज कर देता है ऑफ अडल्ट्री अंडर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, और जो हिस्ट्री है अडल्ट्री की वो डिपिक्ट करती है कि सेक्शन 497 जो है क्लियरली प्रोवाइड करता है कि अडल्ट्री का जो लॉ है वो हमेशा से ही किसके फेवर में है, हमारे हस्बैंड्स के फेवर में है, दैट मींस कि ये वुमेन ओरिएंटेड नहीं है, ये हमेशा से वाइफ ओरिएंटेड नहीं है, रादर देन हस्बैंड के फेवर में है, ठीक है, और जो कि उसको एक तरीके से हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो अपने औरत को रिजर्व कर सकता है, उसकी ओनरशिप मान सकता है उस पर, ठीक है, ओवर द सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ हिज वाइफ, दैट मीन्स कि अगर वो चाहे, क्योंकि हमने अभी सेक्शन पढ़ा वहाँ पे क्लियरली लिखा था कि अगर उसका कंसेंट होगा या कन्वीनियंस होगा हस्बैंड का, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी वाइफ को अडल्ट्री कमिट करवा सकता है, ठीक है, और अगर उसका कन्वीनियंस नहीं होगा कंसेंट नहीं होगा तो इन दैट केस वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है वो औरत, तो वो औरत क्या मतलब जो जिस जो आदमी होगा जो कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो अडल्ट्री में पाया जाएगा, ठीक है, तो हमेशा से ही ये क्या है, ये जो अडल्ट्री का लॉ है वो फेवर करता है हस्बैंड्स को। क्लियर हो गया आपको। तो इसी वजह से ये जो सेक्शन है वो क्या है, इट नेवर बीइंग इन फेवर टू द बेनिफिट फॉर द वुमेन, वुमेन के बेनिफिट के लिए ये जो सेक्शन है वो बात ही नहीं करता है,
ये जो लॉ है जो प्रोवाइड करता है कि भाई कोई भी जो पर्सन है एंगेज हो सकता है सेक्सुअल रिलेशनशिप में वाइफ के साथ, ठीक है, अगर अनदर जो कि दूसरी आदमी की वाइफ होगी और जो वो हस्बैंड है, ठीक है, उस औरत का अगर वो कंसेंट दे देता है फॉर द सेम, देन दैट एक्ट वोंट बी चार्ज फॉर एडल्ट्री. तब जब वो एक्ट होगा वो एडल्ट्री नहीं करवाया जाएगा. दैट मीन्स कि वो जो हस्बैंड है ये हस्बैंड के फेवर में सब कुछ है कि भाई हस्बैंड चाहे तो वो करवा सकता है, हस्बैंड नहीं चाहे तो वो नहीं करवा सकता है. तो इससे क्लियरली ये बताया जाता है कि जो वुमेन है वो कंसिडर करी जा रही है एज एन ऑब्जेक्ट, जो कि उनके हस्बैंड के हैंड की वो एक ऑब्जेक्ट बन करके रह गई हैं, ना कि एक इंडिविजुअल है, ना कि वो दर्जा जो है उस पत्नी का जो दर्जा है वो उनको वो नहीं दिया जा रहा है. रादर वो अडल्ट्री में अगर आप देखोगे वो तो ऑब्जेक्ट बन करके रह गई हैं हस्बैंड से, क्योंकि वहाँ पे वाइफ का तो कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं की गई है कि वाइफ के बिहाफ पे या वाइफ का क्या स्टैंड होने वाला है. यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड की बात की जा रही है कि हस्बैंड जो है, ठीक है, जो हस्बैंड है वो कंसेंट दे सकता है, वो कंसेंट नहीं भी दे सकता है, और उसी वजह से वो देखा जाएगा कि अडल्ट्री कमिट हुआ है कि नहीं कमिट हुआ है. तो ये सबसे पहला केस था जहाँ पे अडल्ट्री का मैटर जो है वो उठा. फिर एक केस आया आर रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि ये जो सेक्शन है ना परमिट नहीं करता है हस्बैंड ऑफ ऑफेंडिंग वाइफ. जो हस्बैंड है इसमें थोड़ा सा अलग हमें जो उनका जो जजमेंट है वो देखने को मिला है कि ये जो सेक्शन है परमिट नहीं करता है कि ऑफेंडिंग वाइफ का जो हस्बैंड है कि वो उस अपनी वाइफ के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट कर सके, ठीक है, मुकदमा कर सके, या फिर जो वाइफ है वो अपने ऑफेंडिंग हस्बैंड के डिसलॉयल होने का जो प्रोसिक्यूशन है, जो मुकदमा है वो कर सकी, ठीक है. तो कितनी अजीब सी बात है ये कि भाई यहाँ पे शादी जो है वो एक मजाक बना दिया गया है समाज में कि भाई अगर वाइफ है तो वो वाइफ अडल्ट्री कर सकती है, हस्बैंड जो है वो हस्बैंड अडल्ट्री कर सकता है, कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सकता. इसलिए बोला गया कि नीदर ऑफ द स्पाउसेस कैन ब्रिंग अ चार्ज अगेंस्ट देयर डिसलॉयल नॉर ऑफेंडिंग स्पाउसेस, हेंस दिस सेक्शन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. और फिर बोला गया कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ये जो सेक्शन है वो डिस्क्रिमिनेट करता ही नहीं है, ठीक है. तो अडल्ट्री की अगर हम बात करें तो सिर्फ महज वो क्या हो गया है, एक सिविल रॉन्ग बन करके रह गया है, ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि लीगल भी है एज वेल एज इट इज नॉट अ क्राइम, है ना. और अगर रेमेडी की बात करें कि जो रेमेडी अगर जिस पर्सन को लेनी होगी, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हस्बैंड अगर पाएगा वाइफ को कि वो अडल्ट्री में है तो हस्बैंड को वो रेमेडी मिलेगी, जिसमें कि वो सिर्फ डाइवोर्स जो है वो फाइल कर सकता है उसके अगेंस्ट. तो सिर्फ ये सिविल रॉन्ग बन करके रह गया है, ठीक है, इट्स नॉट अ क्राइम. फिर आता है लैंडमार्क सबसे इंपॉर्टेंट केस, दैट इज जोसेफ स्टाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि जो जोसेफ साइन रहते हैं वो क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं जिसमें कि वो चैलेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497, दैट मींस अडल्ट्री, ठीक है, और एज वेल एज सेक्शन 198 का क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दोस्तों क्या है, इसमें जो सेक्शन 198 का क्लॉज 2 क्या बात करता है, बेसिकली सेक्शन 198 कहता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, ठीक है, कि मैरिज के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ठीक है. तो उनका एक दोस्त होता है जो कंप्लेनेंट होते हैं, जो कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है, किस वजह से, क्योंकि जो एक वुमेन होती है वो उस आदमी के ऊपर जैसे उनके दोस्त के ऊपर रेप के चार्जेस लगा देती है, जिसकी की वजह से उनका जो फ्रेंड होता है वो सुसाइड कमिट कर लेता है और मर जाता है. और इसी वजह से जो कंप्लेनेंट है जोसेफ साइन वो क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं जिसमें कि चैलेंज करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड.
अलोंग विद दैट दोस्तों, जोसेफ स्टाइन जो होते हैं उनके कुछ कंटेंशंस भी है, जैसे कि वो कहते हैं कि जो इक्वालिटी है जो कि हमें दी गई है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ये साथ ही वायलेट भी करता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, और तो और ये बोलते हैं कि ये काफी डेंजरस वेपन है. क्वालिटी जो है दोस्तों वो डेंजरस वेपन भी इसे कहते हैं. ऑल्सो इट इज जेंडर बायस्ड, ये जेंडर बायस्ड भी कह रहे हैं, क्योंकि जो वुमेन थी उसने अक्यूज कर दिया था वो उनके फ्रेंड को दैट उन्होंने रेप किया हुआ है उस वुमेन का, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके दोस्त ने सुसाइड कर लिया. तो उनका ये भी कंटेंशन होता है कि इक्वालिटी है कहाँ. इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी के नाम पे यहाँ देखा जा रहा है कि इट इज वायलेटिव ऑफ दैट राइट, ऑल्सो इट इज डेंजरस वेपन. ठीक है, जो कि एक जेंडर जो है वो ही एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि ये जेंडर बायस है. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने ये भी कंटेंशन अपना दिया कि जो एक औरत है अडल्ट्री में उसको राइट नहीं दिया जा रहा है, उसकी बात ही नहीं की जा रही, उसका जिक्र ही नहीं किया जा रहा है कि वो कंप्लेंट फाइल कर दे अपने उस हस्बैंड के खिलाफ जो कि किसी और औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है, मतलब उनके बीच में जो शादी हुई है. ठीक है, उसके बियॉन्ड वो किसी दूसरे औरत के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है. तो ये जो राइट है दोस्तों, अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या करता है, हस्बैंड के थ्रू ही इसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है. ठीक है, और वुमेन्स के लिए यहाँ पे कोई भी स्टैंड जो है वो नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से भी देखा जाए तो हस्बैंड के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो उनके लिए तो ये कोई अपराध है ही नहीं, अगर आप वो अपना कंसेंट दे देते हैं या अगर वो कन्विंस कर लेते हैं उस आदमी को. ठीक है, वो आदमी कन्विंस उनको कर लेता है तो ये फिर उसके उनके लिए तो अपराध ही नहीं होगा. तो ये एक तरीके का बहुत ही बोल सकते हैं अजीब सा, या फिर बोल सकते हैं कि सेक्शन 497 जो है इंडियन पीनल कोड का, ये एक तरीके से हस्बैंड सेंट्रिक प्रोविजन जो है वो हमें बताता है, वुमेन सेंट्रिक नहीं. ठीक है, तो कई सारे इसमें भी क्वेश्चंस जो थे वो उठे, और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इस सेक्शन 498 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है कि जो सेक्शन 497 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको फिर स्ट्रक डाउन कर देती है और अडल्ट्री जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर देती है. क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं आगे. तो इस रिपोर्ट में सेक्शन 377 के भी रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो किए गए हैं. ठीक है, जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू द एक्सटेंट दैट इट क्रिमिनलाइजेस सेम सेक्स. 377 है क्या दोस्तों, तो इसमें अगर कोई भी अननेचुरल सेक्स, ठीक है, जो नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई सेक्स जो है परफॉर्म किया जाता है, जिसको कि हम कार्नल इंटरकोर्स भी कहते हैं. ठीक है, कार्नल इंटरकोर्स भी कहते हैं, जैसे कि उसमें मतलब आदमी आदमी के साथ करे, औरत औरत के साथ करे, आदमी किसी एनिमल के साथ करे. ठीक है, तो ये पनिशेबल है फॉर लाइफ. तो इसके भी रिगार्डिंग उस रिपोर्ट में बात की गई है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था टू द एक्सटेंट कि क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशंस बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स शुड बी केप्ट इन भारतीय न्याय संहिता. तो ये जो है सेक्शन 377 जो है उसको भी इन्होंने बोला है कि इंक्लूड किया जाए भारतीय न्याय संहिता जो बिल है टू डील विद द एक्ट ऑफ नॉन कंसेंशुअल सेक्स. ठीक है, बिटवीन अडल्ट्स, और जो न्यू बिल है डज नॉट हैव अ प्रोविजन फॉर नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एंड फॉर बेस्टियालिटी. ठीक है, तो सेक्शन 377 के भी रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो हमें देखने को मिले हैं उनके रिपोर्ट में, जो कि उन्होंने सेंटर को वो रिपोर्ट जो है दिया हुआ है. तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही बात करते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आखिरकार क्या रिकमेंडेशंस जो है हमारी पार्लियामेंट्री कमिटी जो है वो कर रही है. ठीक है,
और क्या है आखिरकार इसका सब्जेक्ट मैटर, क्या था अडल्ट्री, होती क्या है, ठीक है, अडल्ट्री कौन से लैंडमार्क केस में डिक्रिमिनलाइज की गई थी, ठीक है, उसके बेसिस पे जेंडर बायसनेस कैसे हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में दोस्तों कर लिया है डिस्कस। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.